रक्तदान महादान कहते हैं कि रक्त दान करने से आपके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती। हम आपको ऐसा शख्स मिलवाना चाहेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में 130 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब 130 बार रक्त दान किया है। और साथ ही साथ आपको यही बता दें कि आज तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगी, ये सबसे बड़ी बात है। हरियाणा के करनाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं लक्ष्य जर्नी सोसाइटी द्वारा आज एक कैंप का आयोजन किया गया है और काफ़ी लोग जो हैं रक्त दान करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। या आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पर संख्या मौजूद है। या आप देख सकते हैं कि आसपास क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। लक्ष्य जर्नी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से इसी प्रकार से उनकी जो सेवा है वो कहीं ना कहीं जरूर देखी जाती है। अब उस शख्स से मिलवाना चाहते हैं आपको जो 130 बार रक्त दान कर चुका है और आज तक आप ये देख सकते हैं यही वो शख्स है और इनका नाम है दिनेश बख्शी। और सिर का बाल से लेकर नाखून तक इनका कुछ बिगड़ा नहीं है और बाल का एक भी रंग जो है सफ़ेद नहीं है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, करीब 130 बार आप रक्तदान कर चुके हैं, लोग ऐसा समझते हैं कि रक्तदान करने से शरीर ख़राब हो जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रक्तदान करने से शरीर ख़राब नहीं होता, बल्कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो आपको रक्तदान करने के बाद पता चल जाती हैं। तो हर स्वस्थ आदमी को रक्तदान करना चाहिए, जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस ए बी सी है और कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको लास्ट स्टेज पे आके पता चलती है। अगर आप कंटिन्यू रक्तदान कर रहे हैं तो वो आपको पहले पता चल जाएगी। बख्शी जी कितनी बार आपने रक्तदान किया? अब मेरा 129 हो गया है। 129 आज 129 बार आप दे चुके हैं? जी जी। कोई परेशानी हुई आपको? नहीं कुछ, कोई दिक्कत, कोई बीमारी लगी, कोई बीपी शुगर की बीमारी? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग इतना डरते क्यों हैं? बस दिल की बात है सर, जो दिल कमज़ोर होता है वो डरते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 50 है। क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। अच्छा। हाउस फिटिंग, मोटर वाइंडिंग वगैरह। अच्छा, 50 की उम्र है जी? लगते तो नहीं आप 50 की उम्र। अब ये तो आप देखिए पूरा पार्षद हैं, उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले आपसे बात कर लेते हैं सर सचदेवा जी, 50 साल की उम्र रखती है भाई की? नहीं जी, रौनक नहीं देख रहे आप चेहरे पे, या तो रौनक में कमी हो तो बताओ। मतलब 130 बार ब्लड दे चुके हैं? हाँ दे चुके हैं 130 ऑन रिकॉर्ड। आप तो साथ में रहते हैं, कभी इनको कोई बीमारी, कोई बीपी या शुगर की बीमारी कभी कुछ? बल्कि ठीक रहते हैं, और लोगों के मुकाबले ठीक रहते हैं। उसके पीछे साइंस है। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहता है कि हमारे जो रक्त कोशिकाएँ हैं हर 2 से 3 महीने में नहीं बन जाती हैं, तो अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे हमारे बोन मैरो एक्टिवेट रहेगी और ब्लड नया बनता रहेगा। और उसकी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में नहीं जमता और आज भी पूरे एक्टिव है। उसका कारण ये है कि ब्लड डोनेशन रेगुलर इंटरवल पे। अगर कोई भी आदमी जो स्वस्थ है और उसको ब्लड डोनेशन वो नहीं करता तो उसको आप प्रॉब्लम देखेंगे रेगुलर रहेगी। एक तो रहेगी उसके जोड़ों में दर्द, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, सांस चढ़ने लग जाता है। तो बिल्कुल काफ़ी बीमारियां जो हैं वो आपको लग जाती हैं अगर आप ब्लड नहीं देते हैं, तो ब्लड आपको अवश्य देना चाहिए। पूरा पार्षद हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके वार्ड के हैं दिनेश बख्शी जी, कभी आपने इनको बीमार होते देखा या कुछ और बात? नहीं, मैंने बख्शी जी को कभी कोई बीपी की दवाई, कोई किसी तरह कोई दवाई लेते हुए देख के स्वस्थ रहते हैं और परमानेंट अपने कार्य में लगे रहते हैं। कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं होती के जो अभी पीछे लगभग इन्हें 100 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसीलिए जो जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं हम, ना तो हमारा खून गार्ड होएगा और ना वो जमेगा, और इससे हमने जैसे हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी बहुत कम होगी। देखिए पूरा पार्षद हैं, उनके वार्ड में रहते हैं, दिनेश बख्शी जी के वार्ड में रहते हैं। एक बार फिर दोबारा से आपको दिखा देते हैं, ये वो शख्स हैं जो करीब 130 बार जो है अपना रक्त दान कर चुके हैं। गुलाब पासवाल जी हैं, गुलाब जी से बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग डरते हैं, आपके वार्ड के हैं दिनेश बख्शी जी और करीब 130 बार जो है ब्लड दे चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विनय जी, ये जो रक्त शिविर दान करने वाली जो क्रिया है जो दिनेश बख्शी जी बड़े टाइम से करते आ रहे हैं, और वो खुद भी इस मुहिम में 129 बार आज जो है 129 बार वो कह रहे हैं शामिल हो चुके हैं। और रक्तदान देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और बल्कि शरीर स्वस्थ होता है, नया ताज़ा जो खून बनता है शरीर के अंदर तो साफ सुथरा हो जाता है और अनेकों बीमारियों से दूर हो रहता है। तो इस तरह से इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हमें बढ़ चढ़ कर करके इस ऐसे शिविर जहाँ भी करनाल के अंदर कहीं भी लगे तो उनमें बड़े उत्साह के साथ अपना रक्तदान जो है टाइमली देना चाहिए।
बिल्कुल पोसवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। अगर आप भी रक्तदान करना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं फूसगढ़ रोड पर। काफ़ी लोगों की यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। लक्ष्य जनहित सोसाइटी, जो कि पिछले लंबे समय से समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती हुई जरूर नज़र आ रही है। रक्तदान करने से शरीर खराब नहीं होगा, बल्कि रक्तदान करने से नए सेल्स पैदा होते हैं, और नए सेल जब पैदा होते हैं तो फिर बीमारियाँ आपको लग नहीं सकती, ऐसा साइंस बोलती है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी प्रकार से बने रहिएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट।